गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 16 अक्टूबर दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल कितना गाड़ी पहुँचा है जी, नया का कितना गाड़ी है, कितना पुराने का गाड़ी है, कितना साउथ से आ रहा है, कितना अलवर से आ रहा है, और नैफेड एनसीसीएफ का क्या कुछ अपडेट है। आगे चल करके जो है पुराने प्याज को किस तरह का भाव मिल सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सबसे पहले प्याज का क्वालिटी दिखा देता हूँ, फिर रेटों का जानकारी लेंगे जी। दोस्तों लाल प्याज जो है काफी दिनों बाद देखने को मिला जी, ये पुराने में देखो जी। और ये सर के पास नया प्याज है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा है जी? आज मंडी में टोटल गाड़ी कितना पहुंचा था? 65 गाड़ी टोटल है, 65-68 गाड़ी। ठीक है जी, जिसमें 32-33 गाड़ी ताजी आई। ठीक है जी, 15 गाड़ी कल की खड़ी है, यानी खड़ी गाड़ी 48, 20 गाड़ी नीचे। ओके जी, टोटल 68 गाड़ी। टोटल 68 है जी। हाँ, जिसमें हाँ सारा माल मिला करके ऊपर नीचे नया प्याज पुराना प्याज सारा कुछ मिला करके टोटल 68 है जी केवल। हाँ, ऊपर नीचे मिला कर सरकारी। अच्छा जी, तो आज बिक्री कैसा है जी? बिक्री ठीक है, बिक्री ठीक है सर। हाँ, बिक्री ठीक। ओके, और रेटों में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है या फिर सर जी रेट भी स्थिर है जी? नहीं, आज 1 रुपए ऊपर बिका है माल। 1 रुपए? 1 रुपए 2 रुपए तक। अच्छा जी, ठीक है जी। तो सर जी किस तरह का बाजार है जी, मतलब किन किन प्याजों में क्या कुछ रेट देखने को मिला सर? आज पूना जो बिका है वो 45 रुपए से लेके 52-55 रुपए तक बिका है। ठीक है जी, नया जो बिका है वो 30-32 रुपए से लेके 47-48 रुपए तक बिका। अच्छा जी सर जी, ये जो मतलब जैसे 30-32 से लेकर के 47-48 रुपए का जो भाव बताते हैं, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जी। कई लोग कमेंट करते हैं कि जो हमने ये भाव बेचा है, हमने ये रेट बेचा है ना जी, और डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसको भी लेकर के कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। जो रेट हम लोग बताते हैं वो नीचे वाला भी रेट बताते हैं और ऊपर वाला भी रेट बताते हैं। ठीक है जी, तो जो नया आ रहा है वो 30 रुपए से लेके 47-48 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है, जो गुलटी गुलटा आ रहे हैं दागी फागी, 30 रुपए 32 रुपए 34 रुपए, जैसे क्वालिटी होती है जी उसी हिसाब से रेट होता है उसका। अब 45 से 47 रुपए भी 48 रुपए तक बिका है नया, लेकिन 2-4 लाख को बिका है। ठीक है जी, वो मांसाखोरी माल में आ जाता है। अच्छा, जो हल्के माल है 30 से 40 रुपए बिक रहे हैं। ठीक है जी, तो बताना तो सब पड़ेगा ना जी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 40 रुपए से लेकर 48 रुपए बता दें, नीचे वाला रेट छोड़ दें। ठीक है जी, अब आने के बाद यहाँ 30-32 रुपए बिक जाए। ठीक है जी, तब तो व्यापारी जूता मारेगा ना। बिल्कुल जी, तो नीचे वाला भी रेट ऊपर वाला भी रेट दोनों रेट बताना चाहिए। बिल्कुल जी, तो जो व्यापार करता है ओरिजिनल जो व्यापार करता है वो अपने आप समझ जाता है जी, और जो कुछ नहीं करता है सिर्फ बकवास करना होता है। ठीक है जी, कोई कहता मेरा ये बिक गया, कोई कहता मेरा वो गया। यहाँ जो रेट हम लोग बताते हैं वो नीचे वाला भी रेट बताएंगे, ऊपर वाला भी रेट बताएंगे। ठीक है जी, बाकी कॉमन रेट अपने आप व्यापारी निकाल लेता है। ओके, तो सर जी साउथ का नया प्याज क्या रेट बिका? हाईएस्ट 47 रुपए तक। 47 रुपए, नीचे में 30 रुपए। अच्छा जी, और अलवर भी आया क्या सर? अलवर 215 कट्टा है। 215 कट्टा जी। ओके, इसका क्या बाजार है और पहले से क्वालिटी में कितना मतलब सुधार है जी? नहीं, अब क्वालिटी तो मैंने नहीं देखा। ठीक है जी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन क्वालिटी तो सही आएगी। ओके, बाकी अलवर इस समय जो इस समय आ रहा है वो 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के आसपास उसकी मार्केट है। 30 से 40। और अलवर का जनरल पोजीशन क्या है सर? अभी 200 कट्टे में क्या जनरल पोजीशन निकालोगे, लेकिन अभी जो भी आएगा 30 से 40 रुपए ही बिकेगा। 30 से 40 रुपए। हाँ, उसमें मतलब 32 का भी भाव रह सकता है, 34, 35, 36, 37। क्वालिटी डिपेंड करेगा, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके जी, जो क्वालिटी किस तरह का बना करके लेके आ रहे हैं, किस तरह का ग्रेडिंग है जी? अब खैरथल तो उक्का भी बिकता है। अच्छा, तो वहाँ गोली आती है तो उक्का बिक जाती है। ओके जी, वो हल्के बहुत होते हैं, दागी फागी सब आते हैं, 6-7 रुपए कट्टा बिक जाता है, उसका कोई रेट नहीं। ठीक है जी, उक्का भी बिक जाता है जी। ओके सर जी, काफी दिनों बाद जो है लाल प्याज देखने को मिला अपने पास, कौन से एरिया का लाल प्याज है जी? ये जोधपुर का है। जोधपुर का तो अभी है जी, वहाँ पे जोधपुर में माल? हाँ, थोड़ा बहुत तो है 1700। ठीक है जी, थोड़ा बहुत है। तो क्या बाजार चला सर जी लाल प्याज का? वो 37 रुपए का। 37 रुपए? हाँ। अच्छा, ये बिकेगा 35 रुपए के आसपास। ये वाला बिकेगा जी 35 के आसपास। हाँ, ठीक है जी। 1 लाख वो बिका, 39 रुपए बिका, नीचे उतर गया 50 कटे। अच्छा जी, 39 रुपए बिक गया वो। ओके, तो ये जोधपुर वाला जो माल है सर जी, हाईएस्ट कहाँ तक रहा जी? हाईएस्ट 41 रुपए तक बिका। 41 रुपए तक,
ठीक है सर। चूंकि और... पत्ती भी कम हो गई ना इसकी, हाँ कलर भी डिसकलर हो गया। अच्छा जी, वो चमक नहीं है जी जो पहले मतलब देखना ना, ना। था लाल कलर, अब तो प्याज का बुढ़ापा आ गया बिल्कुल। तो सर जी एमपी वाले प्याज का क्या बाजार है जी? एमपी 35 रुपए से 45 रुपए, 35 से 45, इसमें भी 10 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, और कुल राजस्थान का? राजस्थान 35 से 42, 35 से लेके 42 रुपए। और आपका नासिक? नासिक जो सरकारी माल है NCCF और NAFED जी, वो मेरे हिसाब से 1550 से 1700। अच्छा जी, यानी कि 39 रुपए से लेके 43 से 44 रुपए तक। ठीक है जी। और जो व्यापारी के माल है वो 45 रुपए से लेके 48-50 रुपए तक। ओके। और सर जी आप जो है बांग्लादेश भी खुल चुका है शायद, तो इसका मार्केट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और ये असर कितने दिन बाद देखने को मिलेगा सर? देखो बॉर्डर जो खुला है, बॉर्डर पे तो वही उल्टी उल्टा ही जाता है, अच्छे माल जाते हैं जी, इसीलिए 2-3 दिन से देखो प्याज में मंदा है लेकिन गोरे उल्टा अपने भाव। अच्छा, आज इंदौर भी मैंने बात किया 35 रुपए से लेके 38-40 रुपए का मार्केट है। ठीक है जी। बल्कि अगर वैसे देखा जाए तो 1-2 रुपए ढीला है। अच्छा, लेकिन वो ढीला इसलिए क्वालिटियां नहीं है। ठीक है जी। और जब क्वालिटी नहीं है तो खींचोगे कैसे? अच्छा, और दूसरी चीज अभी हर जगह नया बहुत पहुंच गया था, अब 2 दिन से नया कम होता जा रहा है, जैसे आज सिर्फ 9 गाड़ी। ठीक है जी। परसों हमारे यहाँ 24 गाड़ी थी, कल 18 गाड़ी। ठीक है जी। तो जैसे जैसे पुराना कम नया कम हो जाएगा, पुराने डिमांड अपने आप निकल जाएगी। अच्छा जी। अभी सर जी बीच में तो जब बॉर्डर खुला हुआ था जी, नया प्याज भी साउथ का काफी जा रहा था बांग्लादेश, तो अभी ये जो बरसात हुआ है क्या अब जाएगा बांग्लादेश? नहीं, जहाँ जहाँ की क्वालिटी अच्छी है वो तो नया जाएगा, अब नया जहाँ जहाँ है वो, इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह बारिश ही हो गई है। हाँ जी, जहाँ बारिश नहीं हुई होगी वहाँ का तो माल अच्छा होगा, वो तो जाएगा। ठीक है जी। और अगर नए से पूर्ति नहीं होगी पुराना जाएगा। अच्छा, तो अभी सर जी जिनके पास क्वालिटी वाला माल है जी, तो जिस हिसाब से पुराना प्याज खत्म होता हुआ दिख रहा है ना जी, तो उनको क्या करना चाहिए फिलहाल? धीरे धीरे निकालना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब नवंबर अक्टूबर आधा चला गया, अब तो धीरे धीरे निकालना चाहिए, नहीं तो जैसे मौसम चेंज होगा तो प्याज भी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से तो निकालने में ही फायदा है, निकालना चाहिए। ओके जी। तो सर जी एक बार क्या दोबारा से मतलब प्याज के रेटों में मजबूती आएगा सर? लग रहा है आना तो चाहिए। अच्छा, हाँ लेकिन कब आएगा, 2-4 दिन, 1 हफ्ता, आना तो चाहिए एक बार। अच्छा जी। अभी मोटा मोटी अगर एक रेशियो निकाले एमपी का तो क्या कुछ लग रहा है सर, मंडियों को देखते हुए, उधर के प्रोडक्शन मंडी को देखते हुए, जो प्याज कितना रह गया है? देखो जिस हिसाब से आज आमदनी है वहाँ 50,000 कट्टे के आसपास इंदौर में है। अच्छा, 500-550 ट्रैक्टर रतलाम में है। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि माल नहीं, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि कोई घबराहट हो। जी, होगा 10-15% होगा, होगा ज्यादा नहीं है। ओके जी। ज्यादा माल, माल तेजी में निकालने का वजह भी तो ये हो सकता है कि जो क्वालिटी उनका हल्का हो रहा हो तो इस वजह से भी माल जल्दी निकाल रहे हो, और ये भी हो सकता है शायद माल भी कम हो और क्वालिटी के वजह से वो लोग जल्दी निकाल रहे हैं, ये भी हो सकता है। किसान अच्छा। तो बहुत समझदार है जी, वो देख रहा है क्वालिटी दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही है, निकाल के बाहर करो जी, क्योंकि अभी मौका भी है, रेट भी है, सारा कुछ है जी, और अभी डिमांड भी निकल चुका है मार्केटों में। और क्या, रेट तो अभी भी ठीक है जी, उतना बुरा रेट थोड़ी है। अगर हल्के क्वालिटी को लेकर के रेट के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो जो इस समय मिल रहा है तो शायद आगे चल करके और भी डैमेज हो जाए, तो वो भी भावना मिल सके जी। डैमेज भी हो जाए और ठंड बढ़ जाए, जर्मिनेशन शिकायत हो जाए, जमाव शिकायत हो जाए, तो भी रेट नहीं मिलेगा। अच्छा। मिला के किसान बहुत समझदार है, और अगर क्वालिटी वीक होती जा रही तो निकालने तो फायदा ही है। जी जी, निकालना चाहिए। बाकी जिनके पास मजबूत क्वालिटी है वो अपना धीरे धीरे आराम से निकालना चाहिए। हाँ, उनकी क्या दिक्कत है। अच्छा, तो सर जी अभी अलवर का जो है प्रेशर कब तक बनेगा, और उधर से अभी कुछ क्लियर अपडेट आया है क्या सर, इस बार प्याज मतलब कितना क्षेत्रफल में लगा है, और क्या रोग वगैरह का कुछ शिकायत वगैरह तो नहीं है, प्याज में मजबूती बढ़िया है? देखो अभी तक अलवर में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, रोग है या जिलेबी रोग है या क्वालिटी की दिक्कत है, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फसल 2 गुना है जैसे की रिपोर्ट मिल रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, लेकिन बस यही है, अब जो लग रहा था 15-20 नवंबर के बाद प्रेशर बन जाएगा। हाँ। अब ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि 30-35% प्याज निकलेगा नवंबर में। अच्छा, और प्रेशर बनेगा दिसंबर में। अच्छा, इतना लेट?
तो उससे पहले क्या सर महाराष्ट्र का प्याज देखने को मिलेगा क्या? हाँ, नया तो महाराष्ट्र भी आ जाएगा तब तक, लेकिन वो प्रेशर महाराष्ट्र भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, नए प्याज का प्रेशर हमें लगता है दिसंबर में ही बनेगा, क्योंकि अलवर में जितनी भी प्याज लगी है, प्याज बंपर लगी है, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है नवंबर महीने में 30-35% प्याज निकलेगा, बाकी दिसंबर जनवरी में निकलेगा। ठीक है जी। और सर जी, ये जो नगर साइड का जो प्याज निकला हुआ है नया, तो उधर का क्या कुछ अपडेट है जी? अभी नगर का क्या प्याज यहाँ पे आ रहा है क्या आजादपुर में? हाँ, कोई कोई पार्ट लोड में आ रहा है ना। अच्छा, बाकी ज्यादा अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो पूना से पुराना प्याज भर्ती हो रहा है जी, उसी में मतलब थोड़ा बहुत उसी में, हाँ 100-200 कट्टा आ जाता है, लेकिन अब फिर रुक जाएगा क्योंकि वहाँ मौसम बहुत खराब है। अच्छा, बारिश हो रही है, इतनी दूर माल पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है जी। और जिस एरिया में बारिश नहीं हुई होगी वो तो पहुँचेगा, लेकिन अब प्रेशर नहीं बन पाएगा। जो लग रहा था कि नवंबर में महाराष्ट्र अच्छी आमदनी चालू हो जाएगी नए की, अच्छा, लेकिन अब वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, वो चला जाएगा दिसंबर में। ठीक है जी। तो सर जी, जो नगर साइड का जो नया प्याज आ रहा है वो किस भाव में बिक रहा है, कुछ आइडिया? देखो, जो गुलटी गुलटा आ रहा है वो तो वही बिक रहा है 30-35-40 रुपया। ठीक है जी। और मोटे माला भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मोटे माला भी ज्यादा नहीं आ रहे? नहीं। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।